हाय दोस्तों, फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं टी हार्ब एकर। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस कराएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस नंबर वन, कुछ गलत विचारधाराएं हमारे पूर्वजों या परिवार वाले खिस्सा कहानी के रूप में हमारे दिमाग में भर देते हैं, जिसे हम लोग मान भी लेते हैं। एक बार की बात है कि श्याम की माँ ने उसे अपने बचपन में सिखाया करती थी कि ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग घमंडी और गलत मानसिकता के होते हैं, और इस बात को श्याम ने मान भी लेता है। श्याम बड़ा होकर सालाना 2 करोड़ रुपया कमाता था, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि पैसे के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो पैसा के गलत डील्स और फालतू लोगों पर खर्च कर देता था क्योंकि उसका भी सबकॉन्शियस माइंड ये मान लिया था कि ज़्यादा पैसा होना ईमानदार आदमी का निशानी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लोग दूसरों को लूट कर बनाते हैं। उसका माँ ने बचपन में ये सिखाया था, पैसा लोगों को घमंडी और लालची बना देता है। जब श्याम ने सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड प्रोग्राम अटेंड किया, तब जाके उसके पैसे के बारे में नज़रिया बदल गया और अपने पैसे को सही जगह पे मैनेज करने लगा। इन्फ्लुएंस नंबर टू में लेखक ने बताया है कि हर लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है। गलती से भी किसी के साथ पैसा से रिलेटेड कोई घटना घट जाए तो लोग के मन में ये बात घर कर लेती है कि पैसा ही हर समस्या का जड़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा के प्रति आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा। इस बात को एक घटना से समझते हैं। लूसी नाम के एक लड़की थी, उसका परिवार में डेली पैसा के लेकर बहस चलते रहता था उसके पापा और मम्मी में। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि उसके पापा आंखें लाल करके उसके मम्मी की तरफ देखे और ज़मीन पर गिर गए। तब लूसी बहुत छोटी थी, लेकिन अपने पापा को बचा नहीं पाई। उसी घटना ने उसे डॉक्टर बनाया और बहुत सारा पैसा कमाई, लेकिन वह सारा पैसा बर्बाद कर देती थी क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया था कि मेरे पापा का डेथ पैसा की वजह से हुआ है। बाद में उसने सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड प्रोग्राम ज्वाइन किया और ये बात को समझ गए कि पैसा किसी भी समस्या का जड़ नहीं है, बस इसे आपको मैनेज करना आना चाहिए। पैसा ही ऐसा एकमात्र साधन है कि आपका हर सुख सुविधा पा सकते हैं और इसे आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके बाद लूसी ने पैसा के सीक्रेट्स को समझकर बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया फाइनेंस ट्रेनर बनकर। ये अब बिना किसी देरी के उन 6 सीक्रेट के बारे में जान लेते हैं। सीक्रेट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन टू मी। अमीर लोग सब काम अपने हाथ में ले लेते हैं और गरीब लोग सोचते हैं कि उनके लिए उनकी तकदीर काम करेगी। आप आसमान से पैसा बरसने का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसा बनते हो। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। ज़रा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतज़ार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी इंतज़ार करते रह जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी पुराना घटना या सोच ही रहता है। जो मिलेनियर माइंड का पहला सीक्रेट है, अपने लाइफ को जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना सीखिए। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मज़ा आता है और कुछ
भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपने भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उनमें लिखा हो आज का लक खराब है या आपका पूरा साल का लक खराब है, पैसे की कमी है। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है तो वह कर ही क्या सकता है। वह लोग जो सिर्फ मज़े लेने के लिए भविष्यवाणी पढ़ते हैं वे अपने कोशिशों से अमीर बनते हैं। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकते, वह लोग जो सिर्फ मज़े लेने के लिए भविष्यवाणी पढ़ते हैं वे अपने कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि निगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों में छोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा भी एक एग्जाम्पल है, कुछ लोग पर लॉटरी का भूत सवार होता है। वे लोग सोचते हैं कि किसी दिन जब लॉटरी लग जाएगा तो वो बहुत अमीर बन जाएंगे। इसी सोच में पूरा ज़िंदगी गरीबी में गुजार देते हैं। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। कमाई करना चाहते हो तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शहर में दो भाई रहता था और दोनों गरीब था। दोनों भाइयों ने मेहनत करके एक एक होटल खोला और अच्छा पैसा कमाने लगे। एक भाई ने होटल के मालिक बनकर बैठ गया और दूसरा भाई ने एक होटल का चयन शुरू किया। अब आपको क्या लगता है कौन भाई ज़्यादा अमीर होगा? जाहिर सी बात है वही जो होटल का चयन शुरू किया है, क्योंकि उसका दूसरा भाई ने पैसे का अमाउंट ज़्यादा सोचा था और पहले वाले ने कम। तो अमीर बनना आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीक्रेट नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी एंड पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। यानी अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं और गरीब लोग अपने बधाव पर फोकस करते हैं। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनका रिस्क लेने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके कारण उन्हें लास्ट में अच्छे च्वाइस मिल जाते हैं और वे लोग जीत जाते हैं। वे लोग जिनकी इनकम कम होती है वे लोग जल्दी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा और अंत में वो हार जाते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मोहन और सोहन दोनों रोज लूडो खेलते थे। मोहन रोज जीतता था और सोहन रोज हार जाता था। जब दोनों से पूछा गया कि तुम खेलते समय क्या सोचते हो, दोनों का जवाब चौंका देने वाला था। मोहन बोला, मैं हमेशा जीतने के लिए खेलता हूँ। और सोहन बोला, मैं हमेशा अपना गोटी बचाने के लिए सोचता हूँ लेकिन फिर भी कट जाती है। तो आपने देखा, मोहन अपॉर्चुनिटी पर फोकस करता है इसलिए वो जीतता था, और सोहन अपने बधाव पर फोकस करता था इसलिए वो हार जाता था। टिप नंबर 4, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं, जबकि गरीब लोग निगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। अमीर लोग अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग को फॉलो करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और उन लोगों से सीखते हैं, और वे लोग भी अपने ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। जबकि गरीब लोग असफल लोग होते हैं जो दूसरों के सफलता को निगेटिव तरीके से देखते हैं। वे लोग जब किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं तो कमेंट जरूर पास करते हैं, अपने से ज़्यादा देख के उनको जलन होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैरी एक हाउसवाइफ है जो अपना एक सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपनों को लेकर काफ़ी पैशनेट है और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी अपने पति के नीचे दिखाने के कारण उसे खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। मैरी के पति टॉम एक मिडिल क्लास बेरोजगार आदमी है। उसे सारा दिन सोफे पर बैठना, वीडियो गेम खेलना, टीवी देखना अच्छा लगता है। टॉम मैरी को अपने बातों से निगेटिव कर देता है, यह कहकर कि ये तुम्हारा सैलून खोलने का आइडिया एकदम बकवास है। टॉम बोलता है कि कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज़ शाम को मेरे लिए खाना बना सको। इस पर मैरी बोलती है कि मैं तुम्हारे माँ नहीं हूँ,
तुम खुद खाना अपना बना सकते हो। इस पर टॉम गुस्से से बोलता है कि तुमको मुझे और अपने सपनों में से एक को चुनना होगा। फिर क्या, मैरी अपना सामान पैक करती है। यह देखकर टॉम चिल्लाता है कि तुम अपने किए पर पछताओगी। मैरी अनसुना करके चली जाती है। 2 साल बाद मैरी ने बहुत सारा पैसा कमाया और अपने सैलून में काम कर रही थी। तो आपने देखा कि कभी कभी सफल होने के लिए निगेटिव लोगों का साथ छोड़ना भी पड़ता है। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं जबकि गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ध्यान लगाते हैं जबकि गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से जितना जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। एक दिन वो प्रॉब्लम आपको छोटा लगने लगेगा। जब आपको सफलता मिल जाएगी तब आपको वही प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लगने लगेगा। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक आप अमीर नहीं बन पाओगे। सीक्रेट नंबर 6, अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे को मिसमैनेज करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपने सेविंग को जोड़कर रखना है और फाइनेंशियली फ्री होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीज़ों में पैसे लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उसके पास 0 सेविंग रह जाती है या कभी कभी उनका अकाउंट माइनस में भी चला जाता है। आप फाइनेंशियली आज़ाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आ जाएगा, नहीं तो आप पूरी कमाई को डुबो सकते हैं। एमा नाम की एक औरत है जो दिवालिया होते होते बच गई क्योंकि उसने बहुत सारे लोन्स लिए थे और उसके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एमा ने मिलेनियर माइंड सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे पता चल सके कि ऐसी हालात में क्या करना चाहिए। ऑथर हार्व एकर ने एमा को सलाह दी कि अपने पैसे को अलग अलग बैंक खाते में रख दे और उसने वैसा ही किया। पहले $1 से शुरू किया, 2 साल बाद उसके एक बैंक अकाउंट में $2,000 हो गया था। उसके बाद एमा को अपने पैसे को मैनेज करना आ गया। अब उसके पास कोई उधार नहीं बचा था। अगर आप भी एक दिन करोड़ों को मैनेज करना चाहते हो तो आपको छोटे छोटे अमाउंट मैनेज करना सीखना होगा, तब जाके एक दिन आप फाइनेंशियली सक्सेस पा सकते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो लोग इस बुक के कंसेप्ट को फॉलो करके मिलेनियर बने हैं, या यूं कह ले कि जो लोग मिलेनियर बनते हैं उनमें ये 6 पॉइंट होता ही है। अगर आपको भी ये बुक समरी पसंद आया और लगे कि थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ है तो मेरा चैनल टेक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।